मेरा नाम है समर। गाइस देखिए यहाँ पर ये झालर चल रही है, ठीक है, दिवाली का टाइम है तो भाई झालर लोग यूज करते हैं, लेकिन गाइस ये टिमटिमाइन की ब्लिंक नहीं कर रही। गाइस आज हम एक छोटा सा नन्ना सा चेजर बनाएंगे, छोटा सा नन्ना सा चेजर बनेगा। अभी तक इतने बड़े बड़े आपने चेजर देखोगे, लेकिन हम छोटा सा नन्ना चेजर बनेंगे, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। काफी लोग सोच रहे होंगे समर भाई तूने क्या बवाल लगा, क्या फैला रखा है जुगाड़ उगाड़ से। अरे भाई ये मैंने बनाया था बोतल कैप से। गाइस मैं इसे बंद करता हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई वीडियो देख सकते हो, ये मैंने फीमेल सॉकेट कनेक्टर बनाया था, ठीक है, आप कितने बना सकते हो। क्या इसे छोड़ते हैं, सीधा टॉपिक पर चलते हैं, समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई यहाँ पे ले लिए कुछ पीस पीवीसी शीट के और मैंने इसको मार्किंग कर दी है, आप देख सकते हो। वीडियो पॉज करके बताऊंगा, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, छोटी करनी है, ठीक है, ये वाला पार्ट है वाला। तो गाइस वाला बॉटम का पार्ट है, इसे ले लेते हैं पहले। अब भाई यहाँ पे लेने N20 गियर मोटर, काफी मजबूत होता है, ऐसा लगता है ये जिम करता होगा, एक्सरसाइज करता होगा, लेकिन काफी पावरफुल टॉर्क, जो बात है देख में नन्ना मुन्ना लग रहा है। आप कोई भी गियर मोटर ले सकते हो, कोई भी गियर मोटर जो आते हैं ना छोटे वाले पीले वाले, वो भी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये पीले वाले, ठीक है। तो गाइस कोई भी छोटे बड़े, जितना छोटा आप लोगे उतना जो हमारा चेजर है वो काफी छोटा बनेगा, बड़ा मोटर में तो गाइस काफी जगह घेरेगा, इसलिए मैं छोटे मोटर ले रहा हूँ। इसमें ज्यादातर मोटर लो आरपीएम के, भाई इसमें से कोई भी एक मोटर ले लेंगे, ये थोड़ा सा हाई आरपीएम का है तो हम इसे ले लेंगे। गाइस आप इस पैन को कहते क्या हो, प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं। कोई भी एक पेन ले लेते हैं, सारे वैसे यार ये भरे हुए हैं, मैं नए लेकर आया हूँ, आप कोई खराब पेन भी ले सकते हो, बल्कि खराब ही लेना, ठीक है, मेरे पास नहीं है। इसमें करते हैं भैया होल, इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ जाना चाहिए, मस्त आया जो बात है भाई। और भैया इसे लगाते हैं 4.5 सेंटीमीटर। गाइस ये किस किस ने किया है तो फूक मार के पेन को चलाना, भाई मैं तो बहुत क्या, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो मैं गरीब हूँ। गाइस इस तरह से फूक मारने से एक प्रॉब्लम है भाई साहब, यहाँ दर्द होने लगता है, जैसे भाई गुब्बारे वाला होता है, गुब्बारे फुलाते हैं ऐसे। तो गाइस काफी चीज से फिट हो गए, जैसे कि लोटे में पहनी, वैसे इसकी कोई जरूरत थी नहीं यहाँ पे, भाई एडिटर काट दी इसे। अब यहाँ पर लेते हैं एक कैन, कोई भी कोल्ड ड्रिंक कैन ले सकते हो, नाम मैं नहीं बताऊंगा, फ्रेंड्स हम नहीं पीते, नहीं पीने की सलाह देते, बहुत बेकार चीज है, जूस पीजिए वो भी निकलवा के, पैकेट वाला जूस मत पीजिए। खैर ये मेडिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये समर एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर हम काम की बात करेंगे। भाई मैं से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये हल्की बहुत होती है, बहुत जल्दी देखिए आप आराम से मोड़ सकते हो हाथ से। भाई मस्त होगा कैप्सूल सा, जैसे किसी के लिए बना हो। अब लेते हैं भाई पीवीसी टेप और भाई से चिपक भी जाएगी, वैसे रखते वैसे भी गया है जो बात। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपने कट लगा दिया है और भाई छोटे छोटे यहाँ कट लगाने हैं। आपको गाइस ये देखना आपको कितने का बनाना है। तो गाइस मैं 5 झालर में चलाने वाला हूँ, तो आप 10-12 जितना मर्जी आप चला सकते हो, उससे बना सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ 5 कटिंग करने वाला हूँ, वो कटिंग थोड़ी सी अलग टाइप होगी, बने रहिए। तो गाइस इस तरीके से आप और लंबी से बना सकते हो और इस तरीके से आप उसकी कटिंग कर सकते हो सारे की। ये वाला पार्ट मैंने इसने लगाया है, गाइस मैं मोटर को थोड़ा सा ऊपर उठा सकूं, वरना देखिए ये इसमें घूमते में गड़बड़ करता, मिल जाता टच हो जाता, अभी थोड़ा ऊपर रहे। तो भाई सब लगभग इसकी बॉडी तो तैयार हो गई है, लगभग हुई है, पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने एक कील ली है भाई, ये यहाँ पे सर रोकेगी, लेकिन यहाँ मुझे एक दिक्कत लग रही है, जब इस पर कोई भी वायर चलेगा ना जो हमने पीवीसी टेप लगाई ये भाई छूट सकती है, तो इसका भी हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये लेते हैं थोड़ी सी स्टड ग्लू, भाई हल्की हल्की बांधनी है जो इसके जॉइंट है ना बस यहाँ, अगर आपने इधर मार दिया ना बीच में इसके तो भाई दिक्कत हो जाएगा, काम नहीं होगा, फिर आपको रब करना पड़ेगा, खैर वो तो जाएगा घिसना पड़ेगा। तो गाइस अब लेंगे यहाँ पर 3 वायर, आप कोई भी कॉपर का वायर थोड़ा सा उसकी पीवीसी हटा के भी इस तरीके से बना सकते हो, सीधा हमें नंगा करना है। और भैया ये गरीब कुछ स्क्रू लेकर आया है, ढूंढ डांड की तरफ से बड़े मुश्किल मिले छोटे नन्ने मुन्ने से स्क्रू। तो भैया इसके बिल्कुल सामने और इसके बीच में दिया गया, इसके बीच में भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टाइट कर दिया ना स्क्रू का हेड टूट गया, तो भाई इसके अंदर रह गया, तो मैंने जो थोड़े से होल इसके बड़े कर लिए जाए, तो इसका होल थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। मैं कैंची भाई बहुत बड़ी चीज है, टाइम पे ना मिले तो चीज कैंची ले लो। तो गाइस वायर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक से लगाने पड़ेंगे। तो भाई से मैंने कुछ इस तरह से कुछ नुकीला कांटे से बना दिया है, लेकिन इसे लगाने से पहले मैं लेकर आता हूँ कुछ वायर। गाइस अलग अलग वायर है, तो भाई हम लेंगे सारे कलर ले लेंगे थोड़े थोड़े, तो भाई हाथों हाथ लगाते चले, ठीक है।
तो गाइस जब मैं यहाँ पे स्क्रू लगा रहा था तो भाई काफी प्रॉब्लम आ रही थी, वो निकल कर भग रहे थे। तो गाइस मैंने बोल्ट लगा दिए और इन्हें अंदर कर दिए, इससे गाइस यहाँ पे कुछ ग्लू लगा सकूं मैं, करंट वरंट ना मारे इस तरीके से। और भाई मैंने सारे वायर अलग अलग कलर के लिए, इससे गाइस हमें पता लग जाए। तो भाई ये तो कॉमन रहेगा, ब्लैक वाला ये अलग रहेंगे, ठीक है। चलिए गाइस फटाफट भाई मोटर को पावर देते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं ले रहा हूं डीसी सॉकेट मोटर को पावर देने के लिए। तो गाइस हमारा चेजर कंप्लीट हो गया है, बस मैंने ऊपर का ढक्कन नहीं लगाया इससे फ्रंट पे आपको बिल्कुल लाइव वर्किंग दिखा सकूं। चलो गाइस थोड़ा उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस ये रही हमारी झालर लाइट और ये पांच लाइट हैं। तो भैया इनके जो हमें प्लग कट करने पड़ेंगे। तो भैया एक थोड़ा सा वायर लंबा कर लेते हैं, ये है कॉमन है वायर। तो गाइस कनेक्शन कर दिए बहुत इजी है, इन सारे एलईडी का एक एक वायर जो झालर का एक एक वायर मैंने आपस में जोड़ लिया है, ठीक है। ये एक वायर ये निकला, ठीक है। और भाई एक एक वायर का बच्चा वो इन पे लगा दे सब पे एक वायर, ठीक है। और भाई दूसरा वायर ये रहा, इसे भी छील देते हैं। तो भैया ये रहे बिजली के वायर, ठीक है। तो ये लगा हमने, दो लाइट चली गई फ्रेंड्स क्योंकि ये कनेक्ट है, ठीक है। और ये रहा डीसी का वायर, चलाते हैं इसे। देखे गाइस देखे सारे चल रहे हैं, ठीक है। देखे स्पीड बढ़ाता हूँ, देखे सारे बहुत मस्त काम कर रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इन्हें लाइन में लगाता हूँ। तो भाई मैंने थोड़े से लाइन में रख दिया, क्यों मैं जैसे ये वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्ट होगा ना इसलिए। चलिए ऑन करता हूँ, देख गाइस बहुत बढ़िया, थोड़ा सा अलग ही बिल्कुल वर्क कर रहा है, लेकिन गाइस 100% वर्किंग है। और स्पीड बढ़ाता हूँ, देखिए, और भाई कम करता हूँ, देखिए। चले गाइस मैं फटाफट लाइट बंद करता हूँ पहले। तो भाई लाइट बंद कर दी है और देखिए अब मैं इसे ऑन करता हूँ, देख गाइस क्या मस्त लग रही है बॉस। और मैं इसे स्पीड कम करता हूँ, देखिए 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 और कम हो गया, देखिए। तो बहुत कम स्पीड होगी मोटर की, इसलिए गाइस काफ़ी स्लो चल रही है। जैसे तेज करता हूँ देखिए काफ़ी तेज उतरेंगी, देखिए देखिए मस्त बिल्कुल। भाई जो बात है गाइस मज़ा आ गया, छोटा सा चेजर है 100% वर्किंग है और भाई साहब आपके सामने बिल्कुल लाइव है इसका गाइस वर्किंग, देखिए देखिए बहुत सिंपल वर्किंग है, ठीक है, बहुत मस्त काम कर रहा है। और गाइस आप इसे कितना में बना सकते हो, 10 20 15 50 झालर का बना सकते हो, बहुत ही बन जाता है। और भाई इसमें मोटर लगाया एक डीसी सॉकेट, बाकी तो गाइस कुछ सारी चीजें फ्री में ही मिल जाएंगी, तो ये काफी चीप पड़ता है, देख सकते हो फ्रेंड्स। छोटी डिब्बी से बंद कर देंगे। तो गाइस मैंने इसका ढक्कन भी लगा दिया है। चलेगा थोड़ा सा डायग्राम बता दो, बहुत सिंपल है। ये बॉक्स है जो कि हमने बनाया है, ये झालर है, ठीक है। एक झालर में सिंपल बात है, दो वायर होते हैं, एक वायर तो सारे मिलकर चलेगी इस तरह, ठीक है। ये कॉमन वायर ये गया सीधा, ठीक है भाई। ये तो होगा इनपुट 220 वोल्ट एसी, वैसे 221 भी दे सकते हो, ये तो मजाक हो गया भाई। खैर जो झालर का सेकंड वायर है दूसरा, देखिए एक ही करके अलग अलग झालर के एक एक वायर, पांच झालर है तो पांच वायर हो गए, बहुत सिंपल कनेक्शन है। और गाइस आप चाहो तो इसे बैटरी से चला सकते हो, मैंने पावर सप्लाई से इसलिए चला के दिखाया जिससे आप इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सको, इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सको, बहुत फास्ट हो गया। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपकी वीडियो कैसे लगी।